शासकीय आयुर्वेद अस्पताल में जल्द होगा ओपीडी का निर्माण। 170 लाख की लागत से होगा निर्माण। 9 विभागों के अलग अलग बनेंगे काउंटर। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अधीन संचालित हो रहे अस्पताल में जल्द ही लगभग 170 लाख रुपए की लागत से ओपीडी का निर्माण होगा, जिसमें सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं होंगी। इसमें संचालित हो रहे सभी 9 विभागों के अलग अलग ओपीडी होंगे। इसके बन जाने से मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा और सभी विभागों के ओपीडी एक ही जगह मिल जाएंगे। मरीजों को अच्छी सुविधा मिल सके, जिसके लिए इसका निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी काफ़ी समय से मांग की जा रही थी। इसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए जिस तेजी से योगा का विस्तार हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर एक अलग कक्ष का भी निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए योगा ज़रूरी है। आयुर्वेद पद्धति से इलाज काफ़ी कारगर साबित होता है और इससे हर तरह के इलाज संभव हैं। धीरे धीरे इस पद्धति से इलाज में बढ़ोतरी भी हो रही है और लोग इलाज के लिए काफ़ी संख्या में आयुर्वेद अस्पताल भी पहुंचते हैं। मरीजों के बढ़ते दबाव के चलते यहां ओपीडी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसका निर्माण हो जाने से काफ़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस बारे में आयुर्वेद कॉलेज के डीन दीपक कुलश्रेष्ठ ने रीवा दर्शन को बताया। ओपीडी, हमारी ओपीडी अभी वर्तमान ओपीडी उपलब्ध है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। एक व्यवस्थित ओपीडी हमारी 1,70,00,000 की इसका प्रशासन ने स्वीकृत की है। वो निकट भविष्य में हो सकता है कि 15-20 दिन के अंदर उसका कार्य प्रारंभ हो सकता है। उस ओपीडी के अंदर हमारी 9 विभागों की अलग अलग ओपीडी हैं। उसके अतिरिक्त एक रजिस्ट्रेशन कक्ष है, एक प्रिंसिपल या डीन के लिए कक्ष है, दवाई वितरण के लिए कक्ष है और फिजियोथेरेपी उपलब्ध है उसमें। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें एक्सरे और सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध रहेगी और एक विशेष रूप से योगा हॉल हमने बनाया। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक योगा वेलनेस सेंटर की एक स्कीम प्रारंभ हुई, उसके अंतर्गत हम मरीजों और मरीजों के रिश्तेदार जो अटेंडेंट आते हैं उन सभी को हम प्रातः 7:30 बजे से योगा करवाएंगे, तो उसकी सुविधा भी उसमें एक हॉल उपलब्ध होगा।